नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे मैजिकल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट फोटो कैसे बनाते हैं और किस तरह से पासपोर्ट फोटो बनाई जाती है। दोस्तों, आज मैं बताऊँगा आपको पासपोर्ट फोटो, जैसे हमने पासपोर्ट फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, पीछे का जैसे हमने कलर बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, लास्ट तक देखिए दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए, तभी पता लगेगा। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, जैसे आपको फोटोशॉप में कोई भी चीज़ ऐसे पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोटोशॉप CS2 खोल लेते हैं। CS2 फोटोशॉप खुल रहा है, थोड़ा टाइम लगाएगा फोटोशॉप CS2 खुलने में, क्योंकि थोड़ा सा हैवी फाइल है। इस तरह सा एक चार्ट बन के आएगा, आपने इसको हटा देना है। यस कर दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम कंप्यूटर पे जाएंगे। कंप्यूटर पे हमने जो पासपोर्ट, जहाँ से पासपोर्ट लेनी है, जैसे हमारी पासपोर्ट, हम ये पासपोर्ट ले लेते हैं फोटोशॉप में। पासपोर्ट फोटो ले ली हमने, खुल गई। उसके बाद क्या है, एल्ट दबाओगे। एल्ट दबाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस से बड़ा होगा और कंट्रोल माइनस से छोटा होगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्पेस है, स्पेस से इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। कीबोर्ड पे है स्पेस, सबसे इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। तो ये है पेन टूल, पेन टूल लिया हमने, यहाँ पर लिखा आ जाएगा अभी पेन टूल, पेन टूल। इसको पेन टूल को लेकर के हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करेंगे हल्का सा, देखो ये देख रहे हैं आप माउस को, ये देखो ब्लैक आ गया, ब्लैक आ रहा है। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एड जेड के साथ पहले सारा हटाएंगे। हटा दिया हमने यहाँ पे, इसको यहाँ पे करना है, देखो ये इधर हो रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, फिर क्लिक कर लेंगे, इसको थोड़ा सा कटिंग करेंगे। माउस पे लेफ्ट क्लिक दबा के, लेफ्ट क्लिक से क्या करना है, इसको ऐसे हल्का सा देखो, अगर हम लेफ्ट क्लिक, देखो जहाँ को हम लेफ्ट क्लिक दबा के इसको ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर नीचे होगा, तो इसको माइनस का निशान, इसको थोड़ा सा कम करेंगे तो ऊपर है, ये कीबोर्ड पे है बटन, इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम कंट्रोल एल्ट जेड के साथ हम इसको कम कर सकते हैं। इसको हमने करना है ऐसे करके, ये हो रहा है कटिंग हो रहा है, देखो इस तरह से ये कटिंग हो रहा है आपका, तो इसको पीछे से हल्का सा ऐसे मिला देंगे, जहाँ से आपने कटिंग शुरू की थी वहीं पे मिला देना है। राइट क्लिक करना है इस पर, राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन पे जा करके इस पर फेदर डाल देना। अगर आप जीरो का फेदर डालेंगे, जैसे अब हमने क्या करना है, कोई भी कलर डाल देना है इसके पीछे, हम कलर डालेंगे यहाँ से, हम कोई सा भी कलर ऑप्शन है, यहाँ पे कलर ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे रेड डाल दो। रेड डालने के बाद हमने पीछे क्या करना है, अगर हम फेदर नहीं डालेंगे तो आपका ये जो हमने लिया है, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट टूल पे जा करके, यहाँ पे साइड पे क्लिक कर देंगे तो ये बॉर्डर हट जाएगा। तो ये क्या है कि जीरो, अगर हम इसमें फेदर डालेंगे तो आपका क्या हो जाना है, इस तरह के हो जाएगा ये देखो, ये निशान आ रहा है ना, ये छोटे छोटे जो धारियाँ बन गई है। तो हमने क्या करना है, इसको हम इस पर फेदर डाल देंगे पहले, सेलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ से भी आपका फेदर आता है, देखो सेलेक्ट पे जाएंगे, फेदर पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो का फेदर डाल दो, दो का फेदर डाल देंगे, ओके कर देंगे।
अब इसके पीछे हम कोई सा भी बैकग्राउंड डालना है, जैसे हमने हम इसके पीछे वाइट डाल देते हैं, जैसे वाइट हमने डालना, तो ये देखो धारियाँ नहीं बन के आएंगी, ये नहीं बन के धारियाँ, पहले आपकी धारियाँ बन थी। कोई और बैकग्राउंड हमने जैसे चेंज करना है, यहाँ पे जाएंगे, कोई सा भी कलर आपने देख डाल दो इसमें, जैसे हम इस तरह से डाल देंगे, इस तरह से डाल देंगे, ये हमने डाल दिया, ये देखिए हमने डाल दिया। जैसे हमने क्या करना है, इस फोटो को दूसरी फाइल पे लेके हमने अगर इसका कलर वो करना है, तो हम यहाँ से इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, कंट्रोल वही मेक सिलेक्शन, यहाँ पे दो का फैदर डालना है, ओके। हाँ तो दोस्तों राइट क्लिक करेंगे तब जाके आपका ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन में जाएंगे, इस पर दो का फैदर डाल दो, ओके। हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल, इसकी प्रोसेसर हम न्यू फाइल लेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, 4x6 के अंदर, ओके। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये फाइल हमने इधर ले ली, फाइल हमने इधर ले ली, तो हम कोई सा भी जैसे बैकग्राउंड हमने डालना है इसके पीछे, हम वैसे बैकग्राउंड यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे हमने ये बैकग्राउंड डालना है, इस बैकग्राउंड उठाएंगे, अब हम यहाँ रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कंट्रोल टी के साथ, ये देखिए, तो हम इस पासपोर्ट फोटो को यहाँ से लेफ्ट क्लिक दबा के माउस पे इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे, ये आपका फोटो आ गया, कंट्रोल टी। हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी करने के बाद कंट्रोल एल्ट शिफ्ट के साथ दबा, एल्ट और शिफ्ट को दबाएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये आपका फोटो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड चेंज हो गया ये दोस्तों, बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो काफ़ी आसान तरीका है पासपोर्ट फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। अगर हम देखो जैसे नीला नीला आ रहा है, तो ये यहाँ पे जाएंगे हम, ये टूल है हमारा, इरेजर टूल है, एक रेजर, वैसे रेजर टूल है वैसे ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज को कम कर देंगे ओपेसिटी के यहाँ पर, और फॉलो में थोड़ा सा इसमें भी कम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, देखिए बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाएगा, जैसे हमने पीछे वो है, देखिए इस तरह से, और जैसे हमने बाल इसके हेयर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कर देने, नीला नीला है वो हट जाएगा, देखिए इस तरह का, ये देखिए दोस्तों, तब बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो काफ़ी आसान तरीका है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये फोटोशॉप पसंद आया, अगर हमारे कटिंग किया वो पसंद आया, तो आपको दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ दोस्तों, मैं अगले इसको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि आप प्लेन बैकग्राउंड का आप किस तरह से एक एक टूल पे आप पूरा कटिंग कर जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसको अगले उसमें बताऊंगा आपको कि आप किस तरह से एक बार में आप पूरा बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, इसी तरह से बने रहिए दोस्तों हमारे मैजिकल चैनल पर, और इसको शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि मैं हमारी लेटेस्ट जो मैं जो वीडियो इस तरह से डालता रहूँ, तो आप लोगों को मिलती रहे इस तरह की वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए।